पे वापस क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा ट्रांसफर फोटो पे। जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये कनेक्ट हो जाएगा। वेलकम टू कंप्यूटर पाठशाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपका फोन लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा है यूएसबी के थ्रू तो आप क्या करोगे ताकि वो कनेक्ट हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप और फोन को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे यूएसबी के थ्रू। तो दोस्तों अगर आपका डाटा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो इसका बस दो ही रीजन हो सकता है, या तो आपका डाटा केबल खराब है या फिर आपका फोन का कुछ सेटिंग गड़बड़ है। तो मैं लैपटॉप और फोन को कनेक्ट कर रहा हूँ यूएसबी के थ्रू। तो मैंने जैसे ही कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरा फोन चार्ज हो रहा है, इसका मतलब यूएसबी केबल सही है। और अगर यूएसबी केबल सही है तो इसका मतलब है कि आपका फोन में कुछ सेटिंग गड़बड़ है। जैसे कि दोस्तों अभी देख सकते हो, ना ही मेरे लैपटॉप में कोई भी नोटिफिकेशन आया, ना ही मेरे फोन में आया। अब मुझे डाटा ट्रांसफर करना है, चार्जिंग तो हो रहा है लेकिन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो मुझे जाना होगा सेटिंग में। तो मैं क्या करूंगा, सेटिंग में जाऊंगा। और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपके पास कोई भी फोन हो, चाहे वो कोई भी फोन हो, वहां पे आपको डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है। अगर आपका फोन पहले से डेवलपर मोड में नहीं है, जैसे कि मेरा अभी डेवलपर मोड में नहीं है, मैं जाऊंगा अबाउट सेक्शन में। यहाँ पे अबाउट फोन मिलेगा, आपका कोई भी फोन हो वहाँ पे अबाउट फोन जरूर मिलेगा, आप उसमें चले जाना। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको बिल्ड नंबर। मेरा फोन है Realme 3i, तो मेरा बिल्ड नंबर मिलता है वर्जन में यहाँ पर। आपका फोन कोई भी हो, अबाउट सेक्शन में आपको जरूर बिल्ड नंबर मिल जाएगा। आपको बिल्ड नंबर को खोज लेना है और इस पे आपको लगातार क्लिक करना है जब तक ये डेवलपर मोड में ना आ जाए। तो डेवलपर मोड में आने के लिए ये पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद ये मेरा डेवलपर मोड में आ चुका है, यानी कि अब मुझे यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से करूंगा बैक, और बैक करने के बाद मुझे जाना है डेवलपर ऑप्शन में। तो आपको सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, मुझे मिल रहा है यहाँ पे एडवांस सेटिंग में, यहाँ पे मिल गया डेवलपर ऑप्शन, मैं इस पे क्लिक करूंगा। दोस्तों डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपको आना है नीचे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूएसबी डबिंग। अगर ये ऑन है तो आप इसको ऑफ कर देना, अगर ये ऑफ है तो आप इसको ऑन करना, फिर इसे ऑफ कर देना। जैसे ये अभी ऑफ है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये हो जाएगा ऑन, मैं ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसे ऑन किया ये ओपन हो गया और ये फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन आ गया। जैसे मैं फाइल ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा ये कनेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफर फाइल से कुछ नहीं होता है, मैं इस पे वापस क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा ट्रांसफर फोटो पे। जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो अभी मेरे लैपटॉप से भी कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये सब सेटिंग करने के बाद नॉर्मली कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर उसके बाद भी कनेक्ट ना हो तो इसका मतलब एक ही चीज हो सकता है कि आपका यूएसबी केबल सही से नहीं लगा है। तो अब हम पता कैसे करें कि हमारा यूएसबी केबल सही से लगा है या नहीं लगा है, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा अदर वायरलेस कनेक्शन, जहाँ पे हॉटस्पॉट वाला ऑप्शन होता है वहीं पे ये वाला ऑप्शन भी मिलता है यूएसबी वाला। अगर ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका वायर सही से नहीं लगा है, तो फिर आपको अपने वायर को सही से लगाना है। जैसे मैं अभी अपने वायर को सही से लगाऊंगा तो ये यहाँ पे अनेबल हो जाएगा, और अगर ये अनेबल हो गया तो यहाँ पे ये वाला सेटिंग आ जाएगा। और अगर इसके बाद भी नहीं आया तो आप वो सेटिंग करो जो मैंने अभी बताया, तो आपका डेफिनेटली ये आ ही जाएगा। अगर ये आ गया इसका मतलब है कि अब मेरा वायर सही से लग चुका है। अभी मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा तो ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा, ये मैंने ऐसे कनेक्ट किया और ये कनेक्ट हो गया। अभी अगर मैं माई पीसी को ओपन करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा रियलमी का इंटरनल और एसडी कार्ड, तो आप इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।